Hello everyone, welcome to BioPool. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो हम कंटिन्यू करते हैं आपका चैप्टर 8 क्लास 10th का. प्रीवियसली हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ी थी. तो अगर आपने मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की वीडियोस नहीं देखी हैं, तो चैनल पे ऑलरेडी सेपरेट प्लेलिस्ट प्रिपेयर्ड है जिसमें से आप इस चैप्टर के सभी टॉपिक रिवाइज कर सकते हैं. तो प्रीवियसली हमने सबसे पहले देखा था कि इफ द स्पर्म इज प्रेजेंट तो प्रेगनेंसी होगी एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा. इफ द स्पर्म इज नॉट प्रेजेंट तो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी. बट हर केस ऐसा नहीं होता कि इफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नॉट अकरिंग, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हुई तो फीमेल इज प्रेग्नेंट. मेंस्ट्रुअल साइकिल कई बार एक्सेसिव स्ट्रेस की वजह से, फीमेल अगर कमजोर है, उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है. 28 टू 30 डेज की जगह वो 30 टू 35 डेज या 35 टू 40 डेज पे शिफ्ट कर जाती है. अगर फीमेल कमजोर होगी, उसमें पहले से ही आयरन की कमी है और भी कोई बॉडीली डिफेक्ट्स हैं, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल हॉल्ट हो जाती है और फिर वापस से रीऑकर होती है, रिज्यूम करती है जब फीमेल हेल्दी होगी. तो हमेशा ऐसा नहीं है कि इफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नॉट ऑकरिंग तो फीमेल इज प्रेग्नेंट. तो सबसे पहले हम देखेंगे आपका केस इफ द स्पर्म इज प्रेजेंट और एग आपका प्रेजेंट है इन द फेलोपियन ट्यूब, फर्टिलाइजेशन होगा. तो फर्टिलाइजेशन होके क्या बनता है, आपका जाइगॉट बनता है. जाइगॉट माइटोसिस में जाता है, तो जाइगॉट डिवाइड होता है ना, क्योंकि जाइगॉट सिंगल सेल है, हम तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है. तो जाइगॉट डिवाइड होगा और मल्टी सेल्यूलर क्या बनाएगा, ब्लास्टोसिस्ट. अब ये जाके कहाँ पे अटैच होगा, यूट्रस की इनर लाइनिंग में, दैट इज एंडोमेट्रियम. तो आप इस पिक्चर में देख भी सकते हैं कि किस तरह से जाइगॉट जब बना आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, वो ट्रैवल करके आया एंड अटैच हुआ यूट्राइन कैविटी में, आपकी इनर लेयर, दैट इज एंडोमेट्रियम. तो ब्लास्टोसिस्ट वो स्ट्रक्चर है जो अटैच होगा यूट्रस की इनर लाइनिंग में एंड इस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन, जो कंफर्म करता है प्रेगनेंसी को. अब आपका ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये डेवलप होगा, जिसे हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. जो ह्यूमन एम्ब्रियो है वो धीरे धीरे डेवलप होगा ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 9 months. तो नेक्स्ट हम देखेंगे फंक्शन ऑफ प्लासेंटा. तो प्लासेंटा एक डिस्क शेप, केक शेप्ड स्ट्रक्चर है जो फीमेल यूट्रस से भी अटैच होता है और अटैच होता है बेबी से थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड. ये है फीटस, ह्यूमन बेबी जो डेवलप हो रहा है. तो आप यहाँ पे देख भी सकते हो एक पतली सी लेयर है, इस लेयर के अंदर है एमनियोटिक फ्लूइड जिसके अंदर बेबी डेवलप होता है. तो प्लासेंटा का क्या फंक्शन है, प्लासेंटा हमने देखा केक शेप्ड डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर है जो यूट्रस से भी अटैच्ड है और डेवलपिंग जो बेबी है, एम्ब्रियो है, उससे भी अटैच्ड है बाय अम्बिलिकल कॉर्ड. तो ये जो येलो कलर की आपको दिख रही है ये है अम्बिलिकल कॉर्ड, ये डिस्क शेप स्ट्रक्चर है, ये है प्लासेंटा. ये बहुत ही हाईली वेस्कुलर होता है, इसमें बहुत ब्लड वेजल्स होती है, इंटेंस कनेक्शन होता है मदर एंड बेबी के बीच में. तो प्लासेंटा का मेन फंक्शन होता है टू ट्रांसफर न्यूट्रिशन, ग्लूकोज, आपका जो भी खाना मदर खा रही है उसे भी पहुंचाना, ऑक्सीजन को पहुंचाना, और जो एम्ब्रियो वेस्ट को जनरेट कर रहा है उसे रिमूव करना. अपार्ट फ्रॉम दिस, एम्ब्रियो को मदर एंटीबॉडीज भी प्रोवाइड करती है, इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करती है, क्योंकि वो बेबी जो है जब वो डिलीवर होगा तो उसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म से लड़ना है बाहर. तो वो सभी ऑर्गेनिज्म से लड़ने के लिए जो इम्यूनिटी उसे मिलेगी, जो एंटीबॉडीज उसे मिलेंगे, वो भी मदर देती है थ्रू प्लासेंटा. तो प्लासेंटा से एम्बिलिकल कॉर्ड, एम्बिलिकल कॉर्ड से फीटस के अंदर ये सारे एंटीबॉडीज आ जाते हैं. तो हमारे प्लासेंटा का मेन फंक्शन क्या हुआ, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना डेवलपिंग एम्ब्रियो को. तो फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में ही आपका प्लासेंटा डेवलप हो जाता है, क्योंकि 9 months तक प्लासेंटा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि कहाँ एम्बीडेड है, यूटेराइन वॉल पे एम्बीडेड है, इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस में एम्बीडेड है. तो मेन फंक्शन हो गया न्यूट्रिशन प्रोवाइड करो, ऑक्सीजन प्रोवाइड करो, वेस्ट जो विच इज जनरेटेड बाय द एम्ब्रियो उसे रिमूव करो, प्लस आपका एंटीबॉडीज प्रोवाइड करना.
तो एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, जो 9 मंथ्स जब कंप्लीट होंगे, तो आपकी यूट्रस की जो मसल है, जो आपकी मायोमेट्रियम लेयर है, वो विग्रसली कॉन्ट्रैक्ट होगी, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होंगे यूट्रस की, एंड द बेबी विल बी डिलीवर्ड। तो इस चैप्टर का आपका लास्ट टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ बैरियर मेथड। हम डिसीजेस पढ़ेंगे, दैट इज STDs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन? तो कॉन्ट्रासेप्शन मीन्स ऐसे डिवाइसेस जो हेल्प करते हैं टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। तो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस व्हिच हेल्प टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। तो ये सभी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस कितने टाइप के होते हैं वो हम पढ़ेंगे। मेजरली ये सभी डिवाइसेस हैं 4 टाइप्स के: मैकेनिकल मेथड्स, हार्मोनल मेथड, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स एंड सर्जिकल टेक्निक्स। तो सबसे पहले आपके ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ बैरियर मेथड्स हैं, ये किन के लिए इम्पॉर्टेंट है? उन कपल्स के लिए इम्पॉर्टेंट है हु डू नॉट वॉन्ट अ चाइल्ड, या फिर हु वॉन्ट टू गैप बिटवीन देयर 2 चाइल्ड। तो जैसे कपल्स हैं, उनका फर्स्ट चाइल्ड है, अब वो चाहते हैं कि 2 या 3 साल बाद उनका सेकेंड चाइल्ड हो, गैप करना चाहते हैं, ठीक है? तो ये मेथड्स उन कपल्स के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो आपके पास 3 ऐसे मेथड हैं जो हार्मोन बेस्ड है, केमिकल बेस्ड है, बैरियर बेस्ड है, प्लस एक मेथड होता है उन कपल्स के लिए हु डू नॉट वॉन्ट अ चाइल्ड, जिन्हें कोई बेबी चाहिए ही नहीं, या अभी उनके 2 बेबी हैं, अब उन्हें और कोई बेबी नहीं चाहिए। तो ये सर्जिकल ऑपरेशंस दे कैन अंडरगो फॉर प्रिवेंटिंग फ्यूचर प्रेगनेंसी। तो आप देखो, फर्स्ट इज मैकेनिकल बैरियर मेथड। तो जो मैकेनिकल बैरियर मेथड है, अब देखो सिंपल, हमें पता है कि प्रेगनेंसी ऑकर होगी ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स इफ द स्पर्म एंड ओवम मीट। तो हम क्या चाहते हैं कि स्पर्म एंड ओवम जो है वो मीट ना करे, ठीक है? तो यहाँ पे फर्स्ट मेथड है बैरियर मेथड में यूजिंग डिवाइसेस लाइक कॉन्डम, सर्विकल कैप्स एंड डायफ्राम। तो ये सभी क्या है? बैरियर मेथड है जो प्रिवेंट करेंगे स्पर्म एंड ओवम की मीटिंग। स्पर्म एंड ओवम मीट नहीं होंगे तो जाइगोट नहीं बनेगा, जाइगोट नहीं बनेगा तो इम्प्लांटेशन मींस फ्यूचर प्रेगनेंसी प्रिवेंट हो जाएगी। नेक्स्ट आता है हार्मोनल मेथड। हार्मोन्स को हम सप्रेस कर दें। अब हमें पता है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन फीमेल बॉडी में हार्मोन है जो प्रेगनेंसी के टाइम में अप जाएंगे। अब यही हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से एग रिलीज होता है आपका फेलोपियन ट्यूब में। तो अगर ये हॉर्मोन्स को हम डिस्टर्ब कर दें या एग को रिलीज ही ना होने दें, ओवरी से फेलोपियन ट्यूब में ही ना आने दें, तो ये मेथड आपका सेकेंड हॉर्मोनल मेथड है जिसमें फीमेल मॉर्निंग पिल्स, जैसे ओरल पिल्स होती हैं, आई पिल हो गई, सहेली एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है जो कि इंडिया में ही डेवलप की गई है। तो ये जो सहेली जो पिल हो गई, ओरल पिल्स हो गए, आई पिल्स हो गई, मॉर्निंग आफ्टर पिल्स हैं, तो ये सभी हार्मोनल मेथड हैं जो सप्रेस करते हैं प्रोडक्शन ऑफ ओवम। ओवम को ही प्रोड्यूस नहीं होने देंगे, ओवरी से बाहर ही नहीं आने देंगे उसे फेलोपियन ट्यूब में। अगर ओवम ही फेलोपियन ट्यूब में नहीं आएगा तो फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा एंड फ्यूचर प्रेगनेंसी विल बी प्रिवेंटेड। थर्ड आपका मेथड होता है केमिकल कॉन्ट्रासेप्शन। तो केमिकल कॉन्ट्रासेप्शन में हम केमिकल्स का यूज कर रहे हैं, जैसे कि आपके कॉपर आयंस हो गए। तो यहाँ पे एक कॉपर टी आती है, कॉपर टी टी शेप की होती है, उसे यूट्रस में इम्प्लांट कर देते हैं। तो यूट्रस में इम्प्लांट कर देंगे तो वो क्या करती है? वो कॉपर आयंस रिलीज करती है। तो इफ द स्पर्म इज रिलीज्ड इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, तो वो उन स्पर्म्स को किल कर देगी या उनकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को खत्म कर देगी, कम कर देगी। अब आप सोचो, स्पर्म में फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी नहीं है, वो ओवम को फर्टिलाइज ही नहीं कर सकता, तो स्पर्म तो वेस्ट हो गया। तो इस तरह से ही कॉपर टी वर्क करती है। तो कॉपर टी एक केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है जिसे इम्प्लांट किया जाता है यूटराइन कैविटी में। ऐसे ही है आपका लिपीज लूप, तो ये भी एक केमिकल कॉन्ट्रासेप्शन है। तो ये सभी क्या करते हैं? स्पर्म को किल करते हैं, स्पर्म की मोटिलिटी को कम करते हैं, या फिर स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को कम कर देते हैं, डिक्रीज करते हैं। तो ये 3 मेथड हो गए आपके: फर्स्ट मैकेनिकल बैरियर मेथड, हार्मोनल मेथड एंड केमिकल मेथड। ये सभी रिवर्सिबल हैं मेथड। ऐसा नहीं है कि किसी पर्सन ने, कपल्स ने ये मेथड यूज किया तो दे विल बी इनफर्टाइल, वो इनफर्टाइल हो जाएंगे, नहीं। ये मेथड्स आपके टेम्पररली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। लास्ट मेथड आपका आता है सर्जिकल टेक्निक है,
जो कि परमानेंट मेथड है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, इट इज फॉर दोज कपल्स हु डू नॉट वॉन्ट अ बेबी। तो वेसेक्टॉमी एंड ट्यूबेक्टॉमी, तो वेसेक्टॉमी मेल्स में होती है, ट्यूबेक्टॉमी फीमेल्स में। तो आप ऐसे याद रखेंगे, वैस जो हमने पढ़ा भी था, वास डिफरेंस, मेल्स में होता है। एक्टमी मीन्स टू कट एंड टाई, तो ट्यूब फेलोपियन ट्यूब फीमेल में पड़ी है, एक्टमी मीन्स टू कट एंड टाई। लाइगेट करना मीन्स कट करके ज्वाइन करना। तो पहले पिक्चर देख लेते हैं वेसेक्टॉमी एंड ट्यूबेक्टॉमी कैसे होती है। तो आप इन पिक्चर्स में भी देख सकते हो, ये था, ये है कॉपर टी, आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ऐसे कॉपर टी को इम्प्लांट किया जाता है, ये कॉपर आयंस रिलीज करती है। ये आपका ट्यूबेक्टॉमी की पिक्चर है, ये वेसेक्टॉमी की पिक्चर है। तो ट्यूबेक्टॉमी में क्या किया, फेलोपियन ट्यूब में ही कट लगा दिया और टाई कर दिया। अब आप सोचो, इफ द स्पर्म विल बी रिलीज्ड, ठीक है, तो स्पर्म तो फेलोपियन ट्यूब में एंटर कर ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो कट है, और अगर फेलोपियन ट्यूब में एग प्रेजेंट भी है तो मीटिंग तो होगी नहीं, फर्टिलाइजेशन तो होगा नहीं। सेम फॉर वेसेक्टॉमी, तो अब वेसेक्टॉमी में देखो, वैस डिफरेंस पे ही कट कर दिया, तो टेस्टिस से जो स्पर्म रिलीज होंगे, ठीक है, एपिडीडाइमस में आएंगे, वैस डिफरेंस में आएंगे, अब वो आगे यूरेथ्रा में तो रिलीज ही नहीं हो पाएंगे, तो ओनली सीमेन विल बी रिलीज्ड, सीमेन में स्पर्म होगा ही नहीं, तो स्पर्म होगा ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। तो ये दोनों आपके परमानेंट मेथड हैं जिनकी रिवर्सिबिलिटी रेट बहुत कम है। तो ये उन्हीं कपल्स के लिए हैं जो चिल्ड्रन बिल्कुल ही नहीं चाहते, या फिर जिनके चिल्ड्रन हैं और वो फर्दर कोई चाइल्ड नहीं चाहते हैं। तो ये सर्जिकल मेथड है, परमानेंट मेथड है, इनकी रिवर्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा लो होती है। तो ट्यूबेक्टॉमी में क्या किया, फेलोपियन ट्यूब में कट एंड टाई, वेसेक्टॉमी में वैस डिफरेंस पे कट एंड टाई किया गया। तो ये आपके चार मेथड्स थे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिनसे आपको क्वेश्चंस और एग्जांपल पूछे जाते हैं। लास्ट देखते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, जिन्हें हम एसटीडीज भी कहते हैं। तो एसटीडीज मीन्स ऐसी डिसीजेस जो ट्रांसफर होती हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट फ्रॉम अनहेल्दी पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। तो जो एसटीडीज हैं उन्हें हम वीडी या वेनरल डिसीज भी कहते हैं, या पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिसीज भी कहते हैं। तो ऐसी डिसीजेज जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को अफेक्ट करती हैं एंड विच आर ट्रांसमिटेड ड्यूरिंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। तो एसटीडीज का बहुत ही सारे एग्जाम्पल यहाँ दिए, सबसे इजिएस्ट एग्जाम्पल इज एड्स, आप लोगों ने सुना भी होगा। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो कि किसकी वजह से होता है, आपके एचआईवी वायरस की वजह से। तो जेनाइटल वॉर्ड्स, ट्रिकोमोनास, सिफिलिस, गोनोरिया, तो ये सभी क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, जो कि डिफरेंट माइक्रोब्स की वजह से होती हैं। तो ये आप टेबल देख सकते हैं जिसमें डिसीज नेम लिखा है, ये सभी कैसी डिसीज है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। उनका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म किससे होती है, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोअन, एंड साइंटिफिक नेम की कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो इन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को कॉज करता है। तो इसके साथ आपका चैप्टर 8 कंप्लीट होता है, एसटीडीज के बारे में हमने देखा, एंड आपके लास्ट जो है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, तो कॉन्ट्रासेप्शन मीन्स ऐसे डिवाइसेस जो हेल्प करते हैं टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। तो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस व्हिच हेल्प टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। इफ यू लाइक द वीडियोस प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।